हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टू एग्जाम स्कोर में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर हर रोज़ आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी एवं अन्य एग्ज़ाम के जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट संभावित क्वेश्चन का डिस्कस किया जाता है एवं क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट का भी व्याख्या किया जाता है, जो आपके एग्ज़ाम स्कोर निश्चित तौर पे बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर एक, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ऑप्शन नंबर 3, हरियाणा। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम का जो पहला आयोजन हुआ था 2018 में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था, और तब से यह प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में इसका किया जाता है, और चौथा संस्करण जो होगा दोस्तों वो हरियाणा में होगा। तो दोस्तों, इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, लिखेंगे दीपू गु। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 18, 19, 20 और 21। तो दोस्तों, 2018 में नई दिल्ली, 2019 में पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, 2020 में गुवाहाटी जो कि असम में है, 2021 में हरियाणा में चौथी संस्करण होने वाला है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए एक वेबसाइट जारी किया है? तो ऑप्शन नंबर 4, नई दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए naukribazaar.com का एक वेबसाइट बनाया है, जिससे वे आपस में तालमेल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश में मुक्त व्यापार करार के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है? तो ऑप्शन नंबर 2, जर्मनी। और दोस्तों, जर्मनी का जो राजधानी है बर्लिन है, और इसका मुद्रा ड्यूशमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर 1, अर्थात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात जो केरोना नदी पर है वो वेनेजुएला में स्थित है, और वेनेजुएला का जो राजधानी है दोस्तों काराकस है, और इसका जो मुद्रा है वो बोलीवर है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचने के लिए बत्तख दल भेजने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चीन। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के किसानों को जब टिड्डी जब उसका फसल को नष्ट कर रहा था, तो उससे बचने के लिए बत्तख दल की मांग किया है, जिससे वह चीन देने का घोषणा भी किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी के स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम NAVIC इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर 1, रियलमी। और दोस्तों, रियलमी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सलमान खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर 1, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय। तो दोस्तों ये ख्वाजा मुनिद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय जो है वो लखनऊ में है और इसका जो स्थापना है 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैब डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 अरविंद घोष। और अगर इसका उल्टा पूछते दोस्तों डिवाइन लाइफ तो स्वामी शिवानंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस राज्य में डीआरडीओ की 5 प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक दोस्तों। और जो कर्नाटक का सीएम है बीएस येदुरप्पा और इसका जो गवर्नर जो राज्यपाल है वो है श्री बज्जू भाई वाला। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना से कितने लोगों को चुना है? तो ऑप्शन नंबर 3 4 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती 28 दिसंबर को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने के फैसले को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन नंबर 2 अरुण जेटली। तो दोस्तों जो कंकड़बाग पार्क 31 में अरुण जेटली का प्रतिमा अनावरण कर इसकी घोषणा नीतीश कुमार ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो ऑप्शन नंबर 1 तीनों वस्तुओं का, सोना चांदी और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 आयरन ऑक्साइड। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी 20 और अगर अनुच्छेद पूछेगा दोस्तों तो 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 मार्कोस ट्राइजो। दोस्तों ये बैंक ब्रिक्स बैंक का, ये ब्रिक्स देशों का बैंक है दोस्तों और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है और इसका स्थापना 2014 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दा का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 नेफ्रॉन। और दोस्तों नेफ्रोलॉजी में इसका अध्ययन भी किया जाता है, अर्थात नेफ्रोलॉजी में गुर्दा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर 2 पराक्रम दिवस। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम जो है इसका बदल कर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने की के लिए तैयार है? तो ऑप्शन नंबर 1 14 साल। और दोस्तों फिलीपींस का जो राजधानी है वो मनीला है और इसका मुद्रा जो है दोस्तों पेसो है। और आपको पता होना चाहिए कि एडीबी का मुख्यालय भी जो है मनीला में, जो कि फिलीपींस में ही है, एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक। और उसका स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1966 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
निधन होस्नी मुबारक किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन नंबर 4 मिस्र, और दोस्तों जो मिस्र का जो राजधानी है काहिरा है और इसका मुद्रा है पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 के हिस्से के रूप में शूटिंग और तीरंदाजी के कार्यक्रम किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर 3 चंडीगढ़। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम अर्थात जो इंग्लैंड में होने 2022 में जो इंग्लैंड में होने जा रहा था उसमें शूटिंग और तीरंदाजी को बाहर कर दिया था, जिससे भारत इसका पुरजोर विरोध किया और लास्ट में हालांकि उसको मानना पड़ा और उसका आयोजन चंडीगढ़ में कराने का अनुमति दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाए जाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर 1 SN श्रीवास्तव को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जनवरी 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बागवानी विकास मिशन जिसको बगायत विकास मिशन कहा जाता है की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। देखिए दोस्तों, जो इस मिशन में बागवानी और औषधि खेती करने वाले किसानों के आय को दुगना करने से जो है संबंधित इसका आय को दुगना करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, ग्रेग वर्कले। और दोस्तों ये जो है शशांक मनोहर का जगह लिया है और ये न्यूजीलैंड का है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना किस देश आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान। और दोस्तों ये 1971 में भारतीय जो नौसेना है वो पाकिस्तान के 500 से अधिक नौसेना को मर गिराया था, इसीलिए इसका ऑपरेशन 500 नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु ADB के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है दोस्तों ये जयराम ठाकुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति जो कौन बने हैं? तो इसमें दोस्तों एलन मास्क बना है, ऑप्शन नंबर 2। एलन मास्क जो है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एक टेस्ला जो कंपनी है उसका CEO है और जो दुनिया के पहले सबसे अमीर व्यक्ति है दोस्तों वो जेफ बेजोस हैं, बेजोस जो कि अमेजन के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान
2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर दो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ऑप्शन नंबर एक मथुरा संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो ऑप्शन नंबर तीन मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों ये जो आक्रमण किया था ये 712 ईस्वी में किया था और उस समय सिंध का जो राजा था वो दाहिर था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर एक जहानवी फुकन को, और फिक्की का जो मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आभास झा। और दोस्तों ये बिहार की राजधानी पटना स्थित सेंट जेवियर स्कूल के पूर्व छात्र है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का हाल ही में निधन हो गया? तो ऑप्शन नंबर दो छत्तीसगढ़। और दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो सीएम है भूपेश बघेल है, और इसका जो दोस्तों अनुसुईया उइके जो है यहाँ का गवर्नर है अर्थात राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में सड़कों के विकास हेतु भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर सी एडीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एडीबी का मुख्यालय दोस्तों मनीला में है फिलीपींस में, और इसका स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिच रेटिंग ने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन नंबर दो 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर चार डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य में वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर दो केरल सरकार। इसमें दोस्तों गरीब से गरीब बच्चा को मुफ्त में कोचिंग क्लास एवं प्रशासनिक सहायता इसको उपलब्ध कराएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्न में से कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? तो ऑप्शन नंबर चार जोंग सान सान। ये दोस्तों चीन का एक कंपनी है जो कि बंद बोतल और कोरोना वायरस का जो टीका बनाने वाला कंपनी से संबंधित है दोस्तों। और इसे चीन में वाटरमैन का संज्ञा भी इसको दिया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो ऑप्शन नंबर 3 राजकोट। और दोस्तों ये गुजरात का जो सीएम है विजय रूपानी है आप लोग को पता है, और इसका गवर्नर जो राज्यपाल जो है वो आचार्य देवव्रत है, तो याद रखिएगा। तो ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करें, तथा आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस प्रकार के न्यू वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।